इनका नाम नहीं है तो इसलिए इनके समोसे इतने फेमस भी नहीं है, बट इनके समोसे भाई साहब मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब समोसों को मात दे देंगे। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ जी जम्मू के रूपनगर वाले लोकेशन पे भाई, जहाँ पर एक हमारे अंकल जी हैं जिनका नाम बाबा जी है भाई, उनके समोसे बड़े ही शानदार और बड़े ही लाजवाब है। हुआ यूँ कि एक दिन मैं समोसे खाने आया था भाई, ऐसे गेड़ी मारते मारते तो अचानक से मैंने इनके पास समोसे ले लिए और मैं समोसे लेके अपने घर निकल लिया। तो भाई इनके समोसे ऐसे क्लिक हो गए भाई, हावी हो गए मेरे पे कि वो इतने टेस्टी थे। और इनकी जो चटनी थी, इनके पास दो प्रकार की चटनियाँ होती है भाई, दोनों लाजवाब, उनका कोई मुकाबला नहीं। और इनके समोसों में भाई मैं क्या बताऊँ, देखो जम्मू में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही बढ़िया समोसे बनाते होंगे और मैंने बहुत सारे लोगों के नाम सुने भी हुए हैं, बट यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोले के खान से भी हीरा या क्या मुहारा बोलते हैं, कोले के खान से भी सोना निकल जाता है। आप वही लगा लो कि इनका नाम इतना बड़ा नहीं है, बट इनके समोसे भाई उन बड़े बड़े नामों को मात दे देगा भाई। इनके समोसे इतने शानदार और इतने लाजवाब है, पर दिखाता हूँ, ये उनकी शॉप है, पहले ऊपर देखिए, बाबा नमकीन है भाई, इनको हम बाबा जी के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब खाते हैं समोसे अपने बाबा जी के। तो भाई ये देखिए, ये शॉप है जी, छोटी सी शॉप है, बट ये छोटी शॉप को आप छोटी ना समझना, इसके अंदर आपको वो चीज़ मिलने वाली है कि जो आपको आई थिंक, मुझे लगता है कि मेरे को आई थिंक मैंने अब तक का जम्मू का सबसे बेस्ट समोसा यहाँ पर खाया है। ये है इन्होंने समोसे बनाए हुए हैं जी, आप बस देख लीजिए यार, मैं जब खाऊँगा ना आपको दिखाऊँगा कि क्या टेस्ट है इसका। तो लगे हाथ ये बनाते हैं जी अपने पकौड़े भी, देखिए पकौड़े भी बने हुए हैं। किसी से पकौड़े जी, ये किसे पकौड़े हैं, ये जी मिक्स पकौड़े हैं आलू गोभी वगैरह के। तो ये है जी मटर, इसे मटर कहते हैं, इसे आप अपने लोकेशन में क्या कहते होंगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना, इन्हें क्या बोलते हो, हम इनको जम्मू में मटर बोलते हैं, मटर बोलते हैं ना, मटर बोलते हैं, नमक पाड़े भी बोलते हैं दिल्ली में, नमक नमक पाड़े बोलते हैं जिनको दिल्ली में भाई। वाह बढ़िया। तो ये इनकी शॉप यार, मैं दुआ करता हूँ कि ये बहुत अब ये बड़े लोग बन जाए और ये बड़ी सी शॉप ले ले अपनी भाई। इनकी क्वालिटी का मैं अब से क्या बताऊँ, ये देखो उन्होंने मिठाई बना के रखी हुई है, ये पनीर भी इन्होंने रखी हुई है भाई। ये अंकल का अंदर का शॉप का लोग देख लीजिए, ये देखिए अंकल अभी तैयारी कर रहे हैं जी, कुछ अंकल जी अभी मट्ठी बना रहे हैं जी, और आंटी जी भी साथ में इनकी हेल्प कर रही हैं। तो ये अंकल जी है बाबा जी, जिनको हम बाबा जी के नाम से जानते हैं भाई, बड़े अच्छे इंसान हैं, और ये इन्होंने अपने समोसे अभी यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि छोटी सी शॉप है, बड़ी प्यारी शॉप है यार, मैं दुआ करूँगा कि जैसे मैंने कहा आपसे कि बड़ी शॉप बहुत जल्द ले, क्योंकि इनके समोसे यार वाकई में इनके हाथ में कला है, कोई जादू है। ये रही जी मठियाँ, पनीर बना के रखी है इन्होंने। तो बताना चाहता हूँ कि भाई देखो ये सारी फैमिली है, देखो आप ये जो अंकल बैठे हैं जी, ये आंटी जी हैं, ये इनके आई थिंक बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे, ये इनके छोटे बेटे, ये संपन्न परिवार है जी, पूरा परिवार मेहनत करके अपनी ये जो शॉप है ये चला रहे हैं। मेरा नाम बी के जयप्रकाश है, बाबा जी के नाम से ये दुकानें हम चला रहे हैं, ये 1990 से ये दुकान हम चला रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम जो भी चीज़ बनाते हैं सब अच्छे बनाते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ बनाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है ये दही पनीर दूध ये सब हम अच्छी क्वालिटी का रखते हैं। और समोसे की टाइमिंग क्या है, समोसे कितने बजे मिलते हैं? समोसे हम 1 बजे से शुरू हो जाते, नहीं 12 बजे 1 बजे के लगभग शुरू कर देते हैं। और समोसों के साथ साथ देखा मैंने मठियाँ बनाते हैं। हाँ इसके साथ हम मठियाँ भी बनाते हैं। बाकी नमकीन पकौड़े नमकीन सारे कुछ बनाते हैं नमकीन में। डिमांड ज़्यादा किसकी रहती है ज़्यादा? हाँ समोसा और मठियों की। अच्छा समोसा और मठियों की। हाँ समोसा और मठियाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने ऊपर कलाड़ी भी बना के रखी है। हाँ कलाड़ी भी बना के रखी है। बताना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे आपको पता कि जम्मू का ट्रेडिशनल ये जिला है ये अपना है। हाँ भाई बड़ा ही जबरदस्त लग रहा है मेरे को दिखने में। तो ये भी हम किसी दिन अंकल को साथ लेके हम खा लेंगे। तो फिलहाल आज हम केवल यहाँ पर समोसे खाएंगे। मेरा नाम प्रहलाद है, ये दुकान मैं 1990 के आसपास से चला रहा हूँ, और हमारे दुकान की जो पनीर है, समोसे है, दही है, हर एक चीज़ मशहूर है, पूरे मोहल्ले में इसका नाम है। समोसे वगैरह हमारे काफ़ी मशहूर है। हमारे जो पिताजी हैं ये ब्रह्मा कुमार के जो है भक्त हैं। चलिए दोस्तों खाते हैं जी समोसे, भाई अपने समोसे लगा रहा है जी, ज़बरदस्त समोसे अलॉन्ग विद देंगे जी अपनी चटनी। भाई लास्ट टाइम इनके पास मीठी चटनी और एक खट्टी चटनी लेके गया था, अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा वही डाल के देना। ये जी खट्टी चटनी मूली वाली, बस बस ज़्यादा नहीं, कम बस। और ये है जी मीठी चटनी गुड़ वाली।
लो जी ये आ गया जी अपना समोसा। वाह वाह भाई, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, मैं क्या बताऊं, ब्लास्ट हो रहा है मेरे मुंह में इस टाइम पे। तो यहाँ पर बैठने की स्पेस अवेलेबल नहीं है, बस आइए समोसे लेके जाइए, अपने आराम से घर में इत्मीनान से खाइए। अगर घर पे जाने का टाइम नहीं है, यहीं पर खाना है, तो जैसे मैं भी खा रहा हूँ, बस इसी तरह से आप भी खाइए। भाई आपको मैं दिखाता हूँ अंदर से समोसे की स्टफिंग कैसी की गई हुई है। भाई ये है जी समोसा, भाई ज़बरदस्त है। देखो इसमें खासियत क्या है कि अब पता नहीं यार खासियत बोलूँ या क्या बोलूँ, बट मुझे समोसा अच्छा लगा इसलिए मैं खासियत ही बोलूँगा। इसमें कुछ आलू जो है वो मैच किए गए हूँ, प्रॉपरली मैच किए गए हूँ मैं, और कुछ साबुत छोड़े गए हुए हैं। तो वो क्या रीज़न है बाबा जी का वो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट टेस्ट जो है वो गज़ब ही है जैसे मैंने खाया हुआ है। और साथ में दिया गया जी, क्या दिया गया जी, ये पनीर का पीस, ठीक है। अब करते हैं महाराज हम अपने आराम से इसको, अब करते हैं जी इसको टेस्ट अपने हाथ से, चमचे से खाने का मतलब ही नहीं है। और मैं लूँगा इसके ऊपर अब ये पनीर और थोड़ा सा आलू, ये लीजिए मूली की चटनी। मैं आपसे अभी कह रहा हूँ जम्मू में बड़े नाम है भाई, ये समोसे वाला वो समोसे वाला, लेकिन अब इनका नाम नहीं है तो इसलिए इनके समोसे इतने फेमस भी नहीं है। बट इनके समोसे भाई साहब, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सब समोसों को मात दे देंगे, इनके समोसे इतने टेस्टी और इतने लाजवाब है भाई, मज़ा के खाने का। मैं आपसे एक बात चीज़ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखो एक जी एक और पनीर का पीस भाई, वाह। गर्मा गर्म, मैं अब क्या बोलूँ समोसों में अब क्या बंदा बोले, अरे जो जादू होता है ये बेसिकली हाथ का होता है। मेरी मदर है वो भी खाना बनाती है, मेरी वाइफ है वो भी सेम टू सेम वैसा ही खाना बनाती है, लेकिन जो जादू मेरी मम्मी के हाथ में है ना यार, वो वाइफ के हाथ में नहीं है। तो भी फ्रैग बस वही हाल इनका भी है भाई, इनके हाथ में जादू है, कोई शफा होती है जिससे चीज़ टेस्टी बनती है। तो अब मैं समोसों के साथ साथ इनके पास कुछ पकौड़े हैं, मैं वो भी ट्राई कर लूँगा, क्योंकि मैंने पकौड़े इनके ट्राई नहीं किए अभी तक, केवल समोसे ट्राई किए थे, अब वो भी ट्राई करेंगे हम। पहले थोड़ा फिनिश करते हैं भाई समोसों का, तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये रही जी पनीर, देखो पनीर, देखो यार पनीर कैसे निकल रहा पनीर। मैं मज़ा आ गया। अब बात की प्राइस की, जो ये समोसे हैं जी, ये एक समोसा केवल 10 रुपये का विद पनीर की स्टफिंग, और मसाले बराबर, तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे गाप से बच्चा भी आराम से खा लेगा इससे, मज़ा आ गया। तो अब हम इनके पकौड़े भी ट्राई करेंगे, देखेंगे पकौड़े कैसे हैं। चलिए तो भाई से कहते हैं थोड़े समोसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़े पकौड़े लगा दो मेरे लिए, तो थोड़े से कहेंगे टेस्ट कैसा है भाई। इनके समोसे में जब इतना दम है तो पकौड़ों में कैसा होगा। लो जी बन गए जी अपने पकौड़े, हो गए गर्म। भाई जब सर्दियाँ आएंगी ना मैं दोबारा आऊँगा इनके पास पकौड़े खाने के लिए। अभी समोसे देख लो जी, समोसे फिनिश हो गए, बात करते करते देखो आप समोसे भी चले गए सारे। यार मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी समोसों की भाई अपने लोकल एरिया में बहुत ही फेमस है। इस पे भी वो डालेंगे सेम खट्टी चटनी। अपने पकौड़े किसके, अपने आलू और पालक के गोभी के। भाई देख लो यार, ये देखो सी स्टफिंग है, गोभी है, आलू है और पालक है, सब मिक्स किया गया हुआ है। भाई आप करते हैं टेस्ट इनका। भाई जैसे समोसे ना, बस वैसे ही इनके पकोड़े भाई बड़े लाजवाब, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी भाई, मज़ा आ खाने का। तो बताना चाहता हूँ, मेरा लगे हाथ आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, लहसुन और प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं करते, प्योर वेजिटेरियन शॉप है ये, कोई अदरक कोई लहसुन प्याज कुछ भी नहीं। तो आप जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इत्मीनान से यहाँ पर आके इनके बाद समोसे और पकौड़े खा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे अपने बाबा जी, जहाँ पर आज हमने पकौड़े खाए, जो समोसे खाए, बड़े मज़ा आया, बड़ा लाजवाब टेस्ट आया। तो आप भी यहाँ पर आके जरूर इनके पास समोसे और ये पकौड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।